हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, रोजगार से संबंधित कोई भी अपडेट होता है मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और जैसे आपको मालूम है कि अब रिटायरमेंट की जो एज है 65 वर्ष करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, उसका विरोध शुरू हो गया है। जैसे कि दोस्तों आप न्यूज़ देख रहे हैं, 30 साल से सीधी भर्ती ना होने का साइड इफेक्ट, अब उम्र बढ़ाकर चलाए जाएंगे काम। सूने हो रहे हैं सरकारी दफ्तर, 4.25 लाख सरकारी कर्मचारी, 2.5 लाख से अधिक रिटायरमेंट की कगार पर। अगले 3 सालों में थोकबंदी रिटायरमेंट, सरकार को देनदारी के लिए चाहिए 79,000 करोड़। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। प्रदेश में 30 सालों से नहीं हुई कोई बम्पर भर्ती, तो उसका ये साइड इफेक्ट है। दोस्तों, सरकार पर 3 साल में 78,900 करोड़ का आएगा भार, विधानसभा में लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा असर। पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, सरकार पर 3 साल में 78,900 करोड़ का आएगा भार। प्रदेश के सरकारी विभागों में आगामी 3 साल में करीब 2,63,000 कर्मचारी जो है रिटायरमेंट हो रहे हैं दोस्तों। और सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी को ग्रेजुएटी समेत अन्य लाभ 30 लाख रुपए तक औसतन मिलते हैं। इस आंकड़े के अनुमान लगाए जाए तो सरकार पर 3 साल में करीबन 78,900 करोड़ का सेवानिवृत्त पर कर्मचारियों की भुगतान करना है। ऐसे में सरकार वर्तमान इन भुगतान से बचने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर सकती है। वहीं दोस्तों, इसका विरोध भी शुरू हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, आज का न्यूज़पेपर है, अब विरोध में कुछ कर्मचारी संघ, रिटायरमेंट की उम्र न बढ़ाए, कर्मचारी के शिक्षित आश्रित को मिले नियुक्ति। यहाँ पर आप पूरी न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो जो है कल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे देख रहे हैं आप, सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के विरोध में अब कई कर्मचारी संघों ने ही मोर्चा संभाल लिया। इन संगठनों के पदाधिकारी को यह मांग सरकार के सामने रखी कि रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की बजाय कर्मचारी के परिवार के शिक्षित आश्रितों को नौकरी दी जाए। इस मांग को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश महासंचार यांत्रिक कर्मचारी संघ बैनर तले कई विभागों के कर्मचारियों ने सतपुड़ा भवन, नर्मदा भवन, हिमाचल भवन के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए संघ के प्रांत अध्यक्ष श्री साबिर खान ने कहा कि शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने से बेहतर है कि आयु सीमा घटाकर 62 से 60 साल की जाए। यानी कि यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि जो 62 वर्ष है उससे 2 साल घटाकर 60 साल कर दी जाए और शासकीय सेवा के आश्रितों में से किसी एक को नौकरी दी जाए। इससे सरकारी कर्मचारियों को, बेरोजगार युवा आश्रित को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो इन्होंने सीएम को चिट्ठी भी लिखी है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जुड़े बीमारी मोहन अय्यर के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, इसमें मांग की गई है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु सीमा न बढ़ाई जाए। यदि आयु सीमा बढ़ाई गई तो प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को नुकसान होगा। सरकार में जब आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की गई थी, तब भी प्रदेश के कई युवाओं को ओवरेज हो चुके थे। युवाओं के भविष्य में ध्यान में रखते हुए सरकार आयु सीमा नहीं बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? मैंने दोनों फैक्ट आपके सामने रख दी है कि आयु सीमा बढ़ाने का जो निर्णय लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है, और जो इसका विरोध किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। दोनों ही नज़रिए आपके सामने हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।